सुपरस्टार एक ऐसा शब्द जिसकी चमक आज की बॉलीवुड इंडस्ट्री में खत्म हो गई है, क्योंकि आज की तारीख में यहाँ काम करने वाले हर लीड अभिनेता को उनकी एक हिट फिल्म के बाद सुपरस्टार का तमगा मिल जाता है। लेकिन अगर हम बात करें रीजनल सिनेमा की, तो वहाँ इस शब्द का महत्व और मतलब आज भी वही है जो राजेश खन्ना के समय में बॉलीवुड में हुआ करता था। सुपरस्टार शब्द के आगे लगे किसी भी नाम को आदर की नजरों से देखने वाली टॉलीवुड इंडस्ट्री के एक ऐसे ही अभिनेता की हम बात करने वाले हैं, जो सुपरस्टार शब्द से जुड़ी हर परिभाषा में फिट बैठने वाले बहुत कम लोगों में से एक हैं, और उनका नाम है महेश बाबू, जिन्हें प्रिंस ऑफ टॉलीवुड भी कहा जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारद टीवी की खास पेशकश साउथनामा। घट्टामनेनी महेश बाबू का जन्म 9 अगस्त 1975 को तमिलनाडु के चेन्नई में पिता कृष्णा घट्टामनेनी और मां इंदिरा देवी के घर में हुआ था। महेश बाबू के बड़े भाई का नाम रमेश बाबू है, जो फिल्म इंडस्ट्री में बतौर एक्टर और प्रोड्यूसर काम करते हैं। इसके अलावा महेश बाबू की 3 बहनें हैं, जिनका नाम पद्मावती, मंजुला और प्रियदर्शनी है, जिनमें मंजुला फिल्मी दुनिया से जुड़ी हुई है। महेश बाबू के पिता कृष्णा तेलुगु सिनेमा के एक बड़े और वर्सेटाइल अभिनेता रह चुके हैं, जहां उन्होंने लगभग 350 फिल्मों में काम किया था, और सिनेमा के क्षेत्र में इनके योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने इन्हें साल 2009 में पद्म भूषण से सम्मानित किया था। महेश बाबू का परिवार आंध्र प्रदेश के गुटूर जिले से संबंध रखता है, लेकिन महेश बाबू का पूरा बचपन अपने ननिहाल इनकी नानी दुर्गम्मा की देखरेख में ही बीता, क्योंकि महेश बाबू के पिता कृष्णा फिल्मों में अपनी व्यस्तता के चलते बच्चों को अधिक समय नहीं दे पाते थे। महेश बाबू की स्कूली पढ़ाई चेन्नई के सेंट बीट्स एंग्लो इंडियन हायर सेकेंडरी स्कूल से हुई, जहां तमिल सिनेमा के एक्टर कार्थी इनके सहपाठी थे। पढ़ाई में एक अच्छे विद्यार्थी होने के साथ साथ महेश बाबू एक अच्छे क्रिकेटर भी थे, और ये रोज अपने भाइयों के साथ चेन्नई के वीजीपी गोल्डन बीच पर क्रिकेट खेला करते थे, और अपने बच्चों के साथ समय बिताने के लिए इनके पिता वीकेंड में अपनी शूटिंग इसी इलाके में रखा करते थे। महेश बाबू के मन में सिनेमा के प्रति प्रेम बचपन से ही था, और घर पर अपने पिता की फिल्में देखने के अलावा महेश बाबू कई बार अपने पिता के साथ फिल्मों के सेट पर जाते थे, जहां एक दिन फिल्म नीडा के सेट पर डायरेक्टर नारायण राव की नजर इन पर पड़ी और उन्होंने महेश बाबू को एक बच्चे के रोल के लिए साइन कर लिया। इस तरह महेश बाबू के फिल्मी सफर की शुरुआत 4 साल की उम्र से ही हो गई थी, जिसके बाद इन्होंने कई फिल्मों में चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर काम किया था, जिनमें गुड़ाचारी और बाजार राउडी जैसी फिल्में शामिल हैं। महेश बाबू का करियर छोटे मोटे किरदारों के सहारे चल पड़ा था, लेकिन 1990 के बाद इनके पिता ने इन्हें पहले अपनी पढ़ाई पूरी करने को कहा, और अपने पिता की बात मानकर महेश बाबू ने चेन्नई के लोयला कॉलेज से बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री हासिल की, जहां इनके बैचमेट तमिल सिनेमा के सुपरस्टार थालापति विजय थे। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद महेश बाबू अपने पिता के दोस्त और जाने माने निर्देशक यल सत्यानंद से मिले, और उन्होंने महेश बाबू को 3 से 4 महीने एक्टिंग की शिक्षा दी थी। अपनी जिंदगी का ज्यादातर समय चेन्नई में बिताने के कारण महेश बाबू को तेलुगु भाषा को पढ़ने और लिखने में दिक्कत का सामना करना पड़ता था, जिसके चलते अपने शुरुआती दौर में महेश बाबू अपने संवाद रटकर ही बोलते थे। साल 1999 में महेश बाबू ने राघवेंद्र राव की फिल्म राजकुमार उड़ू से लीड एक्टर के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की थी, जिसमें इनके अपोजिट बॉलीवुड अभिनेत्री प्रीति जिंटा को लिया गया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई, और इनकी पहली ही फिल्म से लोगों ने इन्हें प्रिंस का टैग दे दिया था। अपनी पहली फिल्म राजकुमार उड़ू में अपने बेहतरीन काम के लिए बेस्ट डेब्यूटेंट का नंदी अवार्ड अपने नाम करने वाले महेश बाबू ने साल 2000 में योराजू और वामसी में काम किया था। फिल्म वामसी के सेट पर महेश बाबू की मुलाकात अपनी फ्यूचर वाइफ नम्रता शिरोडकर से हुई थी, जो इस फिल्म में लीड एक्ट्रेस का रोल कर रही थी। इस फिल्म से ही शुरू हुआ नजदीकियों का सिलसिला 4 साल बाद फरवरी 2005 में शादी के बंधन में बदल गया था। इसी दौरान महेश बाबू की फिल्म मुरारी सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी, जिसकी बॉक्स ऑफिस सफलता ने इनकी पिछली 2 फिल्मों की असफलताओं को ढक लिया था। इसमें महेश बाबू के अभिनय को देखते हुए इन्हें नंदी स्पेशल जूरी अवार्ड दिया गया था। साल 2003 में महेश बाबू भूमिका चावला के साथ फिल्म ओकादू में नजर आए थे, जिसने बॉक्स ऑफिस पर 23 करोड़ रुपए की कमाई की थी, और इसी फिल्म के लिए महेश बाबू को पहली बार बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया था। 2004 में रिलीज हुई नानी और अर्जुन के फ्लॉप होने पर महेश बाबू ने कुछ समय के लिए सिनेमा से ब्रेक लेने का निर्णय किया, जिसके बाद इनकी फिल्म अथाडू रिलीज हुई, जिसमें इनके काम को देखते हुए इन्हें बेस्ट एक्टर का नंदी अवार्ड दिया गया था। इसके बाद साल 2006 में आई फिल्म फकीरी ने महेश बाबू का करियर हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। पूरी जगन नंद और महेश बाबू की बहन मंजुला के प्रोडक्शन में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर उस समय की तेलुगु सिनेमा के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। महेश बाबू को इस फिल्म में अपने काम को लेकर मीडिया और अखबारों सहित अमिताभ बच्चन से भी तारीफ मिली थी, और यही वो फिल्म थी जिसका हिंदी
हिंदी रीमेक आगे चलकर वांटेड के नाम से बनाया गया था, जिसमें सलमान खान की एक नई छवि को पर्दे पर देखा गया था। महेश बाबू की बहुत सी फिल्मों को हिंदी सहित अन्य भाषाओं में रीमेक किया जाता है, लेकिन उनमें से किसी भी फिल्म में महेश बाबू ने काम नहीं किया था, क्योंकि महेश बाबू नए कंटेंट और स्टोरी में यकीन रखते हैं, जहां उन्हें अपनी कला को निखारने का मौका मिलता है। इसके बाद महेश बाबू ने साल 2011 में अपने करियर की एक नई पारी शुरू की, जिसमें इन्होंने डोकोडू, बिजनेसमैन, वन नैनो कोडाइन और अथाडू जैसी फिल्मों में काम किया था, जिसके चलते महेश बाबू रजनीकांत के बाद तेलुगु सिनेमा के हाई स्पीड एक्टर बन गए थे। साल 2011 में आई महेश बाबू की फिल्म डोकोडू ने बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ से भी अधिक की कमाई की थी, और इतने कलेक्शन के कारण इनके घर पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रेड लगाई थी, क्योंकि इतना कलेक्शन तेलुगु सिनेमा के लिए उस समय बहुत बड़ी बात थी। अपने करियर में इतना सब कुछ अचीव करने के बाद भी महेश बाबू का स्वभाव अपने फैंस के लिए कभी नहीं बदला, जिसका सबसे बड़ा सबूत है साल 2016 में आई फिल्म ब्रह्मोत्सव, जो लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी, और इसलिए महेश बाबू ने खुद अपने फैंस से माफी मांगी थी। इसके बाद महेश बाबू ने स्पाइडर, भारत आने नेनू और महर्षि जैसी फिल्मों में काम किया, जिनमें इनके किरदार को काफी पसंद किया गया था। यहां आपको बता दें कि महेश बाबू के पिता ने तेलुगु सिनेमा की एक्ट्रेस और प्रोड्यूसर विजय निर्मला से दूसरी शादी की थी, जिनका नाम एक महिला डायरेक्टर के तौर पर सबसे ज्यादा फिल्में डायरेक्ट करने के मामले में साल 2002 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था। महेश बाबू अपनी कमाई का 30% हिस्सा चैरिटी में देते हैं, और साथ ही ये हील ए चाइल्ड नाम की फाउंडेशन के द्वारा बहुत से लोगों की मदद करते हैं। इसके अलावा महेश बाबू ने अपनी फिल्म थ्रिमांडू के बाद अपने गाँव बुरीपालेम को गोद ले लिया था। महेश बाबू ने टाइम्स 50 मोस्ट डिजायरेबल मैन इन इंडिया की लिस्ट में साल 2011 में 5वां स्थान प्राप्त किया था, 2012 में दूसरा और 2013 में महेश बाबू ने ऋतिक रोशन, सलमान खान और शाहरुख खान जैसे अभिनेताओं को पछाड़कर पहला स्थान हासिल किया था। साथ ही महेश बाबू थम्स अप, टाटा स्काई, नवरत्न, महिंद्रा ट्रैक्टर, पैरागॉन फुटबियर, संतूर सोप और टीवीएस मोटर कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। साल 2019 में महेश बाबू के मैडम तुसाद संग्रहालय में स्थित स्टेचू से पर्दा उठाया गया था, जिसके साथ ही महेश बाबू तेलुगु इंडस्ट्री के पहले अभिनेता बन गए थे जिन्हें यह सम्मान दिया गया था। साल 2006 में महेश बाबू के पहले बेटे गौतम कृष्णा का जन्म हुआ था, जिसने इनकी फिल्म वन नैनो कोडाइन में इनके बचपन का किरदार निभाया था, और फिर साल 2012 में नम्रता शिरोडकर ने एक बच्ची को जन्म दिया जिसका नाम सितारा है। महेश बाबू अपने करियर में अभी तक लगभग 25 फिल्मों में काम कर चुके हैं, जिसमें इनके काम को देखते हुए इन्हें 8 नंदी अवार्ड और 5 फिल्म फेयर अवार्ड सहित बहुत से अन्य सम्मान भी मिल चुके हैं। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। पुण्य कथा सिया राम की सुनाने, गाथा महाभारत के महासंग्राम की गाने, अनेकों पावन पौराणिक कथाओं का लेके उपहार नारा टीवी आ रहा है आपके द्वार। नारा टीवी प्रस्तुत करता है नारद वाणी, सनातन धर्म की अनेकों अद्भुत गाथाओं और जानकारियों से भरपूर अनूठा मंच। तो अभी सब्सक्राइब करें नारद वाणी यूट्यूब चैनल को।